नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नील गाय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप है, कैसे भारत के गांवों में लोगों के साथ कोएग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि इतना वजनी होता है कि वह एक बार में छोटी सी दूरी ही तय कर सकता है, कैसे इंसानों के साथ समन्वय बनाकर रहता है। नीलगाय अपनी जीनस बोसलेफस का इकलौता मेंबर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 मीटर या फिर 3.5 से 5 फीट तक होती है। मेल नीलगाय का वजन 109 किलो से लेकर 288 किलो तक नापा गया है। वहीं फीमेल, जो मेल से थोड़ी छोटी होती हैं, उनका वजन 100 से 213 किलो तक नापा गया है। नीलगाय में मेल और फीमेल को अलग अलग पहचानना बहुत ही आसान होता है। इनको आप इनके फिजिकल फीचर से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमें लॉयंस और पीकॉक्स के केस में भी देखने को मिलता है। फीमेल्स का रंग जहाँ ऑरेंजिश होता है, वहीं एडल्ट मेल के पास एक ब्लूइश ग्रे कोटिंग होती है। सिर्फ मेल के पास ही हॉर्न्स होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। नील गाय का इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करने का एक प्रमुख कारण है उनकी रफ्तार। उनके पास पतले छरहरे पैर होते हैं, वह इन पैरों से छोटी दूरी तक तेज दौड़ लगा सकते हैं। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और इनके पास सुनने की कमाल की क्षमता होती है। ये हमेशा इंसानों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर ही रखते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी वजह है भारत के खेतों का जुड़ा होना। भारत में खेत एक दूसरे से एक छोटे से पार्टीशन, जिसे मेड़ कहते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। इन पार्टीशंस को पार करना नीलगायों के लिए बहुत ही आसान होता है, इसलिए इन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। नीलगाय इंसानों के साथ बहुत पहले से रहते आ रहे हैं। इनका उल्लेख वैदिक काल के दौरान भी मिलता है। मुगल बादशाह इनका शिकार किया करते थे। इंसानी बस्तियों के पास नीलगाय के अवशेष मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग 6500 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक है। अब अगर बात की जाए मोर की, मोर यानी कि पी फाउल एक कॉमन नेम है 3 बर्ड स्पीसीज का इन द जॉनरा पावो एंड एफ्रो पावो विद इन द ट्राइब पावनिनी, जो कि पेसियनिडाई फैमिली का हिस्सा है। नीलगाय की तरह पिकॉक्स में भी मेल और फीमेल में फिजिकल डिफरेंस होता है। मेल्स के पास मोर पंख होता है, जिसपे सिक्के या आंखनुमा आकृति बनी होती है। मेल्स के गर्दन का रंग जहाँ गाढ़ा नीला होता है, वहीं फीमेल्स की गर्दन का रंग हरे रंग का होता है। मेल्स अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं और फीमेल्स सबसे सुंदर पंख वाले पीकॉक को ही चुनती हैं। मोर का इंसानों के आसपास होने का एक प्रमुख कारण है उनका हमारी संस्कृति में रचा बसा होना। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की आवाज़ को बहुत ही मधुर और मनोरम माना जाता है। हमारे पुराणों में भी भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर को ही दिखाया गया है। साथ ही साथ यह माता संतोषी का भी वाहन है। मोरों से खेती को भी बहुत नुकसान नहीं पहुंचता है। मोर खेतों में मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों का साथ ही देते हैं। किसानों को अपने खेतों को मोरों से बीज रोपते वक्त ही बचाना होता है, और साथ ही साथ मोर की उड़ सकने की काबिलियत भी उसे इंसानों के बीच रहते हुए भी सुरक्षित रहने की सहूलियत देती है।